हाय एवरीवन, जो आज न्यूज़ में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही एक दुख भरी न्यूज़ है। आप भी सुनोगे आपको भी बहुत हर्ट होने वाला है। यहाँ पे जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, तीसा टैग क्वीनी चैनल है, उनके 33,000 सब्सक्राइबर्स हैं। अच्छा खासा ये इनकम यूट्यूब से कर रही थी, लेकिन 3 दिन पहले इनका मर्डर हो चुका है। इनके हस्बैंड ने ही इनको मार दिया है। और इनकी पूरी कहानी मैं आपको बताऊं तो इनके हस्बैंड का किसी से अफेयर चल रहा था, जिसके चलते लड़ झगड़ कर अपने घर आके रहने लग गई थी। 2 इनके बच्चे हैं और पैसा कमाने के लिए ये यूट्यूब पर ही डिपेंड थी पूरी तरह से, और अच्छी खासी अर्निंग भी इन्हें हो रही थी, इन्हें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अभी इनके हस्बैंड से 3 दिन पहले इनका लड़ाई झगड़ा हो जाता है, जिसमें कि हस्बैंड ने इनके सिर पे लाठी मारी और उसकी वजह से इन्होंने हॉस्पिटल में इलाज के चलते अपना दम तोड़ दिया। ये एक बहुत ही ज़्यादा दुख भरी खबर है। अब आप ही देखो कि एक औरत कहीं पे भी सेफ नहीं है। मतलब हस्बैंड का अफेयर चल रहा है, वो अपने घर में रह रही है, फिर भी उसका मर्डर हो जाता है। एक लड़की जो कैमरे के सामने अपने बच्चों के लिए पैसा कमा रही है, यूट्यूब से अर्निंग कर रही है, कितनी मेहनत उसने की होगी, कितना दर्द उसके दिल में होगा, उस दर्द को लेके वो यूट्यूब पे इतना ज़्यादा मेहनत किया, 1 साल में ग्रो किया। टैग कैटेगरी में ग्रो करना बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है, क्योंकि यहाँ पर जो बॉयज़ होते हैं उनके चैनल चलते हैं। लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और 1 साल में चैनल को ग्रो भी किया, अर्निंग भी की, अपने बच्चों को पाल भी रही थी। लेकिन जो कैमरे पे दिखाई देता है वो सच नहीं होता। इनके दिल में कितना दर्द होगा, कितनी परेशानी इन्हें झेलनी पड़ रही होगी, इनके दिमाग में कितनी टेंशन रहती होगी। लेकिन वीडियो बनाना इनका लिए ज़रूरी था, अपने बच्चों के लिए। लेकिन आज भी बच्चे भी अनाथ हो चुके हैं, उन बच्चों के लिए कोई नहीं बचा है। हम कुछ नहीं कर सकते हैं, बस ये कर सकते हैं कि इनकी आत्मा को भगवान शांति दे, भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। और इनके बच्चों को चाहे उनके नाना नानी हो, कोई भी हो, एक अच्छी परवरिश दें, क्योंकि इनकी आत्मा को शांति जब ही मिलेगी जब इनके बच्चे अच्छे से पलेंगे। क्योंकि एक माँ पूरी टेंशन बच्चों की लेती है कि मेरे बच्चों का क्या होगा, कैसे होगा, यही सोच के मायके आई, अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया, ग्रो किया, दिन रात एक कर दिए। सो इन्हें टेंशन थी, दिल में दर्द था, दुख था, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं देखा, सिर्फ वीडियो बनाई। भगवान की आत्मा को शांति दे और इनके परिवार को दुख था और इन बच्चों को अच्छी परवरिश मिले, इनकी आत्मा को शांति मिले। बस यही प्रभु से हमारी एक विनती है, भगवान हमारी विनती को स्वीकार करें। आप सब भी इनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें, इनके बच्चों के लिए प्रार्थना करें, इनके माँ बाप के लिए प्रार्थना करें। बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे। बाय बाय।